हिमाचल के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आज नालागढ़ अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें नालागढ़ के पूर्व विधायक व जिला अध्यक्ष केएल ठाकुर, दून के विधायक परमजीत पम्मी व पूर्व विधायक विनोद चंदेल के अलावा नालागढ़ के प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। डॉक्टर राजीव सैजल ने कारगिल में हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और शहीद परिवारों के सदस्यों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित प्रस्तुति दी। इस अवसर पर उन्होंने नालागढ़ सैनिक भवन के लिए 10 लाख रुपया देने और नालागढ़ क्षेत्र से शहीद हुए सैनिक प्रदीप कुमार के नाम पर स्मारक बनाने की घोषणा की। पूरे देश में शहीदों को सम्मान स्वरूप बनाया जा रहा है, हमारे प्रदेश में भी प्रदेश के हर कोने के अंदर ये दिवस जो है ये मनाया जा रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर यहाँ नालागढ़ में आकर के मुझे कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जो शहीद हुए हैं हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, आज उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने का मुझे यहाँ आकर के मौका मिला। शहीद परिवारों से भी मिलने का मौका मिला, माताओं से मिलने का मौका मिला, शहीद पत्नियों से मिलने का मौका मिला और उनके अन्य परिजनों से मिलने का मौका मिला और पूर्व सैनिकों से मिलने का मौका मिला। उनको सबको हमने अपनी ओर से उनको वीर सैनिकों को जो दिवंगत हो गए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है और जो पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है देश की रक्षा के लिए लगाया है उनको भी हमने धन्यवाद किया है, उनको भी हमने साधुवाद दिया है। ठाकुर जयराम जी की सरकार उनकी काफ़ी समस्याओं का जिक्र भी यहाँ पर आया जो कि पूर्व सैनिकों से संबंधित है और मैं यहाँ पर ये आश्वासन देकर के जा रहा हूँ कि ठाकुर जयराम जी की सरकार पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी है, क्योंकि ठाकुर जयराम जी की सरकार सैनिकों की पूजा करने वाली सरकार, वीरों की पूजा करने वाली सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वो भी वीरता के पुजारी और मुझे लगता है ऐसे सकारात्मक वातावरण में हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनका भी उत्साह वर्धन होगा और ऐसे परिवार जिन्होंने अपने वीर सपूतों को खो दिया है उनका भी संबल मिलेगा, उनको भी सहारा मिलेगा और उनकी अगर कोई समस्याएं हैं उसको लेकर के भी जो है वो सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। कारण अपना शहीदों के गांव के लिए सड़कों का विषय जो है वो आया और उसमें मैंने एक सड़क के लिए आज 30 लाख रुपया जो है उसमें मैंने देने की घोषणा की है। शहीद श्री प्रदीप कुमार उनकी याद में जो एक सामुदायिक भवन बन रहा है उसके लिए मैंने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है। यानी ये सरकार जो है वो शहीदों को समर्पित है और आज से ठाकुर जयराम जी को मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं आपको अवगत भी करवाना चाहता हूँ कि सरकारी कार्यालयों में भी जो है शहीदों को स्मरण किया जाए क्योंकि ये पूरे समाज का दायित्व बनता है और दायित्व भी बनता है और वो ऋण चुकाने का जो है वो अवसर भी मिलता है जो उन सैनिकों ने जो हमारे को हमें सुरक्षा प्रदान की अपने जीवन की आहुति देकर के। तो आज का दिन इसलिए भी इतिहासकारी है, इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज से कार्यालयों के अंदर भी जो है सब एकत्र होकर के शहीदों को 5 मिनट एकत्र होकर के जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनकी वीरता को। नशीले पदार्थों का ये जो चुनौती हमारे प्रदेश में जो है इस समय हो रही है इसको लेकर के कैबिनेट के अंदर जो पीछे कैबिनेट हुई उसके अंदर विस्तृत जो है वो चर्चा हुई है और ठाकुर जयराम जी ने निर्णय लिया है कि हमारे जो 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तरांचल, यहाँ तीनों राज्य के जो DGPs हैं, यहाँ का जो तीनों प्रदेशों के जो पुलिस के विभाग हैं वो तालमेल के साथ काम करेंगे बहुत जल्दी जो है इस संबंध में, क्योंकि हिमाचल के अंदर अगर नशीले पदार्थ आ रहे हैं तो या तो हरियाणा से आ रहे हैं या फिर वो पंजाब से आ रहे हैं और या फिर वो उत्तराखंड से आ रहे हैं, तो वो किस प्रकार से उनके यहाँ आने पर रोक लगे उसको लेकर के सरकार की संकल्प है और बहुत जल्दी ठाकुर जयराम जी के तत्वावधान में उनके निर्देशों से DGPs की बैठक जो है तीनों प्रदेशों की जो है वो होने वाली है और किसी भी तरह से जो है कानून व्यवस्था को ढीला नहीं होने दिया जाएगा। इसकी समीक्षा जो है स्वयं ठाकुर जयराम जी कर रहे हैं, अभी आपको शायद आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने अभी एक उच्च स्तरीय बैठक जो है नशे की रोकथाम जो है इस प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हो इसके लिए उन्होंने बैठक। अगर हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।